हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तबेज मलिक। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से होंगे। तो आज मैं अपडेट बताऊंगा दोस्तों क्रोशिया के बारे में। बहुत ज़्यादा अपडेट मैं माल्टा के बारे में ला रहा था और लोग कई मैसेजेस मुझे कर रहे थे कि मलिक भाई क्रोशिया के बारे में बताइए क्या चल रहा है। जैसे कि कल का वीडियो आपने देखा था, मैंने आपको बताया था कि डीले का रीज़न क्या है। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक अच्छी गुड न्यूज़ के साथ और कुछ अपडेट के साथ मैं आया हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, तब आपको मालूम पड़ेगा कि मैं क्या अपडेट लेकर आता हूँ। इसमें आपको बहुत अच्छा बेनिफिट्स होगा और जो लोग डिमोटिवेट हो चुके हैं, जो डर चुके हैं, घबरा चुके हैं, उनको मोटिवेशन ज़्यादा मिलेगा। तो चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों। और मेरा जो नया आईडी दिख रहा है आपको नीचे यहाँ पे इंस्टाग्राम का, तबरेज़ मलिक कंसल्टेंसी, जो फेसबुक पे भी है और जो कि इंस्टाग्राम पे भी है, उसको फॉलो करना है। जो मेरा सेंट्रल नंबर है दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा मसला ये है कि रोज़ के कम से कम 1000 मैसेज आ रहे हैं और हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है। अभी आप समझ सकते हैं कितने बड़े लेवल पर मैंने काम नहीं चालू किया है, लेकिन कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैसेज का जवाब दे सकते। प्लस मैं इंस्टाग्राम पे खुद रिप्लाई करता हूँ, उसके अलावा मेरा खुद का पर्सनल व्हाट्सअप होता है, प्लस मेरी टीम के पास है। तो ये सारी कोशिश में हम लगे हुए हैं, लेकिन जिनको जवाब नहीं मिलता थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए, आपको जरूर जवाब मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले एक बात बताओ, अभी जो मीटिंग्स हुई है इंडियन गवर्नमेंट और क्रोशियन गवर्नमेंट के बीच में, या जो वहाँ के जो इंडियन बिजनेसमैन उन्होंने जो स्ट्रेटजी निकाली, ये देखिए पहले स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि भाई जो कंपनी ने वर्कर्स चूज़ किया है, क्रोशिया के चैलेंजेस बहुत ज़्यादा वर्स्ट होने वाले हैं और ये ट्रेंडिंग में भी जाएंगे। और जो यूरोपियन फ्री मार्केट है, उसकी वजह से एक चीज़ बताना चाहते हैं ये लोग कि क्रोशिया बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस करने वाला है। 1 लाख शॉर्टेज उनके पास, 1 लाख शॉर्टेज ऑफ वर्कर है। सोचो 1 लाख, आप हम सोच भी नहीं सकते, आप हम फंसे हुए होते चीज़ों में, समझ नहीं पाते लोगों को। 1 लाख शॉर्टेज दोस्त बहुत बड़ी बात होती है, 1 लाख शॉर्टेज इतना आसान नहीं है। इवन आपको बताना चाहूँगा कि माल्टा जैसी कंट्री में भी शॉर्टेज इतने हाई लेवल पे नहीं, तो क्रोशिया जब से सेंगेन में ऐड हुआ है तो शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट 100,000 1 लाख के आसपास पहुँचा है। और इसी के लिए जो क्रोशियन एम्प्लॉयमेंट सोसाइटी है, जो हम लोग को वर्क परमिट इशू करती है, उन्होंने एक मतलब एक चीज़ ला रही है जिसमें बताएगा कौन सा, मतलब कौन सा पोजीशन हाई शॉर्टेज में है, तो उससे क्या जॉब बहुत इजी मिलेगा। प्लस क्रोशियन जो मार्केट है दोस्तों, थोड़ा सा डीले होने लगा है क्योंकि सेंजन रिसेंटली ऐड हुआ है, बहुत सारी चीज़ें उसमें तब्दीली हुई है, तो इसके वजह से ज़्यादा ये कुछ हो रहा है। लेकिन आप लोग कोशिश अगर करते हैं या अच्छा एजेंसी के साथ चलते हैं, अच्छे एजेंसी के साथ पकड़ते हैं, या फिर कुछ जो पुराने वहाँ पे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, अगर वो सही से करें तो ये शॉर्टेज जो है, ये तो हम कंप्लीट नहीं कर सकते, बट हम एशियन मार्केट को, खासकर इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, नेपाली, श्रीलंकन मार्केट को कवर अप कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों एक अपडेट और बताना चाहूँगा कि एक ये स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये क्या है, ये बोला जा रहा है कि प्लीज़ बी इन्फॉर्म दैट PCC विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द क्रोशियन एम्बेसी नियर दिल टिल फर्दर नोटिस। PCC अभी वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक फर्दर नोटिस नहीं होता। मतलब अभी फाइल आप जमा कर सकते हो, लेकिन PCC अभी वो लोग नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी वर्क परमिट के लिए आपने लिया था, तो उसके लिए शायद उन्होंने वेट किया हुआ। ये इंडिया का अपडेट बता रहा हूँ मैं। और आपको कतर का अपडेट बता दूँ मैं कि कतर का जो अपडेट आप देख रहे हैं, कतर का अपडेट है। ये सारे हमारे सब्सक्राइबर शेयर करते हैं हमको, तो बोलते हैं मलिक भाई इस पर वीडियो बना दो, तो उस पर बनाता हूँ आपको, ताकि आपको, आप लोग को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। वो क्या बोलते हैं, 19 अप्रैल तक ऑल अपॉइंटमेंट फॉर अटेस्टेशन ऑफ PCC वेयरफील्ड बंद हो चुका है। न्यू अपडेट विल बी गिवन फ्रॉम द 23 अप्रैल विथ पर्सनल प्रेफरेंस एंड कॉपी ऑफ कतरी आईडी। मतलब कैसा है कि अगर आपको अभी ये सर्विसेज लेनी है PCC वाली, तो आपको फिजिकली वहाँ जाके अपना कतर का आईडी लेके जाएंगे तो ही कुछ होगा। वर्किंग टाइम उन्होंने लिख दिया है कि संडे से वेनसडे सुबह 9 से 9:30 से 12 बजे तक है। और सबमिटिंग वीज़ा एप्लीकेशन वीएमएस ग्लोबल का टाइमिंग उन्होंने लिख दिया है कि उनकी टाइमिंग 9 से 3 बजे तक की है। तो ये कुछ अपडेट थी इंडिया की, ये कुछ अपडेट थी शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की, और ये कुछ अपडेट थी कतर की। दुबई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे वॉकिंग जा सकते हैं। यहाँ का एक बार मैंने रूल बता दिया था कि आपका जो वर्क परमिट है, वर्क परमिट का जो भी ड्यू डेट एंड होता है, उससे आपको 6 महीने का पासपोर्ट लगता है, तो अगर किसी का एक्सपायर होता है तो उसको अप्लाई कीजिएगा। दूसरा, कभी भी और क्रोशिया के बारे में कुछ अलग अपडेट आएगा, लेकिन एक बात बता दो, ये मैंने खुद अभी ट्विटर पर ट्रेंडिंग में देखा था कि इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से, मतलब देखो, मिल रही है और बिजनेस को बढ़ा रही है क्रोशिया में, तो क्रोशिया में एम्प्लॉयमेंट बहुत अच्छे रेशियो में होगा। इवन मैं आपको बता दूं कि शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेरा जो नॉलेज है, जो मुझे मिलता है मार्केट से, सबसे बड़ा जो है स्किल बंदों का ज़्यादा है। स्किल बंदे में कौन है दोस्तों, पहले आपको उसको लॉजिक को समझना ज़रूरी है। उसमें प्लम्बर है, वेल्डर है, फिटर है, कारपेंटर है, उसके बाद आपका मेसन है, कंस्ट्रक्शन लेबर है,
कंस्ट्रक्शन लेबर तो उसमें नहीं आते, फिर भी कंस्ट्रक्शन लेबर की बहुत हाई डिमांड है। होटल इंडस्ट्री में जैसे सीजन खुलेगा उसमें डिमांड बढ़ जाएगा, जिसमें शेफ़ का डिमांड बढ़ेगा, वेटर का डिमांड बढ़ेगा, बारटेंडर का बढ़ेगा, हाउसकीपिंग का बढ़ेगा, क्लीनिंग का बढ़ेगा, ये सब डिपार्टमेंट में हाई रेशियो में खुलेगा। उसके अलावा हाई पोजीशन में भी काफ़ी वीज़ा वहाँ पे मिलने वाले। तो जो लोग क्रोशिया के बारे में सोच रहे हैं या क्रोशिया का काम कराना चाहते हैं, हमारे पास जो इस वक्त है सिर्फ कंस्ट्रक्शन का या फिर आपको फूड डिलीवरी का काम का मिल जाएगा, ये क्रोशिया का हमारे पास अवेलेबल है। आप चाहे हमारे थ्रू काम करा सकते हैं, या माल्टा पे इस वक्त बहुत हाई रेशियो पे कंस्ट्रक्शन लेबर की ज़रूरत है, उस पर भी अगर आप चाहें तो हम आपको काम दिला सकते हैं। आपको अगर कुछ भी है ऐसा लगता है कि कांटेक्ट करने से थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो tabrizmalik.com के वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे मेरा ईमेल आईडी, मेरा मोबाइल नंबर मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। tabrizmalik.com बहुत ईजी है, गूगल पे आप tabrizmalik ऑफिस एड्रेस भी लिखेंगे दोस्तों, बाकायदा बड़ा सा एक पिक्चर खुलता है, ये आप देख सकते हो, अब बड़ा सा पिक्चर खुलता है और ईजी वे में आप जाके खाली वहाँ पे अगर मेरे वेबसाइट पे भी जाते हो, जैसे वेबसाइट पे जाते हो tabrizmalik खुल जाता है, कॉन्टेक्ट अस के ऑप्शन में जाइए तो नीचे आपको सब पूरा डिटेल हमारा मिल जाएगा कि क्या है नहीं है, कॉन्टेक्ट डिटेल सब कुछ सब मिल जाएगा। जैसे कि हमारा ईमेल आई डी visasmalik@gmail.com है, उसका मोबाइल नंबर जो है हमारा 9988335 84, ये सेंट्रल नंबर है, इस पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एक रिक्वेस्ट है आपसे, बड़े बड़े वॉइस नोट मत लिखिए, एक एक, मतलब मैं देखता हूँ कुछ लोगों को एक एक मिनट के चार छः वॉइस नोट है, शॉर्ट में बताइए मलिक भाई मेरी तकलीफ है, मुझे ये करना है, मलिक भाई मुझे काम कराना है, मलिक भाई मेरा रिजेक्शन हो गया क्या करना है। आप मैंने किसी किसी को ये भी देखा वॉइस पे बात करते हुए, मलिक भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। इस तरह का टोन में स्लो में बात करने से स्पीड अप नहीं होता है और टाइम खराब हो जाता है। दूसरा मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि एक टाइम जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, किस टाइम पे आप किसको कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रात के 1:30 बजे आप व्हाट्सअप करो, लेकिन व्हाट्सअप की कॉलिंग मत करो दोस्तों, आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, बट इंस्टाग्राम के मैसेज पे ये मत करो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई, क्योंकि देखो प्राइवेसी लाइफ में सबको चाहिए, tabrizmalik हो या सुधाकर जी हो या रमेश जी हो, कोई भी हो, सबको चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और रिक्वेस्ट करूंगा कि प्राइवेसी आप लोग देखो। दूसरा जो सेंट्रल नंबर है दोस्तों 9988335 83 5584 वाला, इस पे आपको सिर्फ इंडियन टाइम से 11 से लेकर शाम के 5 बजे तक रिप्लाई मिलेगा, इसके बाद आपको नेक्स्ट डे रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि ये जॉब वाले बंदे हैं जिनको हमने स्टाफ के तौर पर रखा हुआ है ऑलरेडी। तो आप इसके लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट दीजिए, क्योंकि हर वक्त आपको रिप्लाई नहीं किया जा सकता। दूसरा, काम करते समय कभी ऐसा लगे कि बैंक डिटेल कुछ अलग मिला है, tabrizmalik का अकाउंट डिटेल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, HDFC का अकाउंट है दोस्तों, सिर्फ उसी अकाउंट में आपको पेमेंट भेजने, और किसी अकाउंट में आपको इवन लास्ट डिजिट आज बता देता हूँ कि मेरे अकाउंट का लास्ट डिजिट क्या है, मैं आपको लास्ट डिजिट बता देता हूँ अकाउंट का, उसका जो लास्ट डिजिट है दोस्तों 4058 रहेगा बैंक अकाउंट का, HDFC का रहेगा, मरोल अंधेरी ईस्ट का मुंबई का, tabrizmalik नाम रहेगा, मेरा पूरा नाम शम्स तबरेज है वो भी नहीं रहेगा, tabrizmalik नाम रहेगा, 4058 लास्ट का 4 डिजिट रहेगा, उसमें ही आप फंड डाल सकते हैं, किसी और अकाउंट में नहीं डालिएगा। और आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वाला आपसे किसी ने एटीट्यूड में बात किया मेरी टीम के मेंबर, तो प्लीज़ आप visasmalik पे कंप्लेंट भी डाल सकते हैं कि इस बंदे से मैंने बात किया, इस तरह से जिसने बात किया है, आप बिंदास कंप्लेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। बहुत जल्दी मेरा वेबसाइट आने वाला है, अच्छा ये नॉर्मल वेबसाइट था, अपग्रेडेशन हो रहा है, जैसे होगा उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं लाने वाला हूँ और कोशिश करूँगा कि अच्छे से अच्छे अपडेट आपके लिए लेकर आऊँ। तो मुझे लगता है आज का इन्फॉर्मेशन बहुत आपको मैंने नॉर्मल तरीके से बता दिया, क्रोशिया में क्या चल रहा है, क्या कतर के क्रोशिया में चल रहा है, इंडिया के क्रोशिया में क्या चल रहा है, सब कुछ मैंने बता दिया। तो कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा जरूर, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करना, और मेरे जो इंस्टाग्राम की आईडी है उसको प्लीज़ जाके फॉलो कीजिए, और फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट डालिए, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा, आप वहाँ पे मैसेज देखिए, हर जगह रिप्लाई करना इतना आसान नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि आपकी रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, सारे कॉन्टेंट डिटेल tabrizmalik.com पे मिल जाएगा, tabrizmalik जिससे सबको सर्व करता है दोस्तों।